हुक्म दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और अभी मेरे सामने खड़ी है 20 जुलाई को बहाल होने वाली मुंजा दौड़ो एक्सप्रेस, जो कि अभी यहाँ पर दुल्हन बन के खड़ी हुई है। दोस्तों गुज़िश्ता साल शदीद बारिशों की वजह से ML2 का ट्रैक ज़ेरियाब आ गया था, जिसकी वजह से ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज दोबारा ट्रेन सर्विस बहाल होने जा रही है। दोस्तों इसी सिलसिले में कोटरी रेलवे स्टेशन पर छोटी सी तकरीब का अहतमाम किया गया है। दोस्तों मुंजो दौड़ो एक्सप्रेस कोटरी से सेवन, दादू, लाड़खाना, सखर और रोड़ी तक सफ़र तय करती है। दोस्तों अब चलते हैं कोचेस की तरफ। दोस्तों इसमें टोटल 8 कोचेस लगा दी गई हैं, जिसमें से 2 KCR की हैं और इस ट्रेन को बड़े अच्छी तरीके से सजाया गया है। दोस्तों कुछ ही देर में अब इफ्तिताही तकरीब स्टार्ट होने वाली है, जिसमें DS कराची नासिर खलीली साहब भी तशरीफ ले आए हैं और कुछ ही देर में अभी रिबन भी काटी जाएगी। दोस्तों इस वक्त वज़ीर रेलवे जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब वीडियो लिंक के ज़रिए अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। और सीपीआर 9 सेक्शन पे भी इंशाल्लाह ताला 4 दिन तक ट्रेन चलेगी। जो के रहने वाले हैं जो कोटली लाड़खाना सेक्शन पे आबाद हैं, उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक देरी ना मुतालबा था और हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस मुतालबे को पूरा करें। ये ट्रेन तो आज बहाल हो गई। दोस्तों इस वक्त DS कराची जनाब नासिर खलीली साहब ने रिबन काट के इख्तिताम किया है और अब कुछ ही देर में मुंजो दौड़ो एक्सप्रेस अपनी मंजिल रोहड़ी की तरफ रवाना हो जाएगी। दोस्तों इस वक्त मुंजो दौड़ो एक्सप्रेस कोटरी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर कर रही है और आप लोगों का जोश व खरोश देख सकते हैं कि कितना खुश है। वो ट्रेन चली है आज मुंजो दौड़ो एक्सप्रेस, तो ये खुशी के लम्हे आज। और दोस्तों आज हम इसमें छोटा सा सफ़र करेंगे कोटरी से सिंध यूनिवर्सिटी तक, जिसे जामशोरा कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को सामने 27 अब शालीमार एक्सप्रेस नज़र आ रही होगी, जो कि कोटरी रेलवे स्टेशन से पास हो रही है और आज ML1 और ML2 की दोनों ट्रेनें एक साथ जाते हुए आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। तो दोस्तों देखते हैं कोटरी से सिंध यूनिवर्सिटी तक यानी जामशोरा रेलवे स्टेशन तक हमारा सफ़र, तो जुड़े रहिएगा एंड तक।
दोस्तों इस वक्त हम कोटरी लोको शेड से पास हो रहे हैं और यहाँ पर ट्रेन टेबल भी मौजूद है कोटरी लोको शेड का। आवाम को ये पैगाम देंगे कि आप जब भी ट्रेन का सफ़र करो तो टिकट लेकर के सफ़र करो, क्योंकि ये हमारा ट्रेन चलती है टिकट के ज़रिए, तो आप टिकट जितने टिकट लोगे तो ये ट्रेन यकीन ये बंद नहीं होगी, ये ट्रेन चलती रहेगी। शुक्रिया। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्लीपर पड़े हुए हैं, काम जारी है अभी भी ट्रैक का, और यहाँ पर बच्चे नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और यहाँ के आवाम को बड़ी खुशी हुई यहाँ पर मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस से। चलिए लोग घर से बाहर आके देख रहे हैं ट्रेनों को। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सामने एक लोकोमोटिव भी है जो GMU 15 का है 4821, और ये साथ में ट्रेन भी है जिसके ऊपर स्लीपर पड़े हुए हैं, जो ट्रैक के साथ पड़े हुए थे स्लीपर इसी ने ही वहाँ पर रखे। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सिंध यूनिवर्सिटी यानी जाम छोरो। दोस्तों हम अब यहाँ पर उतरेंगे और फिर आपको इस ट्रेन का मुंजोदड़ो एक्सप्रेस का डिपार्चर भी दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस ट्रेन को लोग देखने भी आए हैं और इसमें सफ़र भी करने आए हैं, और
लोग खुश हुए हैं कि आज इस ट्रेन को बहाल कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्राइवर साहब को अजरक भी पहनाई गई है और लोगों के हाथ में प्ले कार्ड भी मौजूद हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि खुशामदीद, और लोग इतना खुश हैं कि यहाँ पर प्ले कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है खुशामदीद वेलकम। ये जो रेलवे स्टेशन कायम है यहाँ पर उनको सहूलत देने के लिए उनकी रोड के पार कर रेलवे ट्रेन जो है वो पार की जाए कुल्ला नगर विशाल के और इसको हम खुश हमदीद कहते हैं कि मंजर आज स्टार्ट हुई है। बहुत अच्छा अमल है, हम इनको आज अकीदत पेश करते हैं और वेलकम करते हैं कि ये इंशाल्लाह हमारे इलाके के अवाम के लिए यूजफुल और फायदा मंद करें। दोस्तों मुंजोरो एक्सप्रेस सिंध यूनिवर्सिटी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर कर रही है और ये अपनी मंजिल रोहड़े की तरफ बढ़ रही है, तो आइए अब इसका डिपार्चर देखते हैं। मू वी आयो नंढड़ो रेल पेन रजा वो खुशहाल खान खड़े जो इतने कहाँ का गलाइन हाँ स्टेशन था चूंता दोस्तों। इसी के साथ अब मैं चाहता हूँ इजाज़त, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगा किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।